एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों में कौन तेज जीतता है और कौन तरक्की कर जाता है, और कौन अगर चीज़ ना हो तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, पैसों से कमज़ोर हो जाएंगे, पढ़ाई से कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि हमारे दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे कहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस तो है। और बहुत से लोगों की मम्मी, मेरी मम्मी होती हैं, बहुत लोग की मम्मी होती हैं, उस ज़माने में उनके पढ़ाई लिखाई नहीं थी और तब भी वो खूब अच्छी अच्छी बातें कर लेती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक ये आता है एजुकेशन और एक्सपीरियंस, यानी तजुर्बा और पढ़ाई लिखाई, ये दोनों से ही इंसान काबिल बनता है। और इसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस ये होता है, जैसे मान लीजिए हम जा रहे रास्ते में और बीच रास्ते में एक गड्ढा पड़ा हुआ मिल गया आपको, अब हमने देखा नहीं और गड्ढे पर मुँह टूट गया, ठीक। अब ये मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि जब रास्ते में चलेंगे अब तो गड्ढा देख के चलेंगे, एक्सपीरियंस हो गया। एक होता है एजुकेशन, गड्ढा होता है सो दूर निकल आता है, पहले दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाई और देखा सेंटर में है कि नहीं सेंटर में, लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ गए। तो ये एक होता है एजुकेशन। हम लोग सोचते हैं समझते हैं कि लेफ्ट जाना है ये राइट जाना है, लेकिन तजुर्बा होता है जब मूड टूट चुका होता है, ठीक है ना। अब जो बीता मेरे ऊपर ये है कि मेरे बाल को लोग कहते हैं अक्सर कि मेरे बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, एक्सपीरियंस मेरे पास में है। अरे एक्सपीरियंस की बात है कि हम लोग बड़ों के पास एक्सपीरियंस खूब होता है, हम बड़े लोगों के पास में, बड़े मतलब मेरे अम्मी अबू जो हम लोगों से बड़े होते हैं, हम लोग सोचते हैं ये उस ज़माने का एक्सपीरियंस है, पुराने ज़माने का। आज हम लोग सैन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से पढ़े हुए हैं, हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमसे नीचा है या हमारा ऊंचा है। तो कभी इनके बारे में बताया नहीं, आज बड़ों के बारे में स्पेशली, कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता है। इनके एक मिसाल दे रहे हैं, एक डैमो बता रहे हैं इसका, कि एक ट्रेन थी, ट्रेन उसमें एक उम्र दराज आदमी, यानी जिसको कहते हैं ज़यीफ़ आदमी या एक्सपीरियंस होल्डर आदमी, करीब 60 साल का बैठा हुआ था, कहीं जा रहा होगा। उस ट्रेन के अंदर बहुत से लड़के घुस जाते हैं, करीब 12-15 लड़के घुस जाते हैं, वो शोर करते हैं, बड़ा शोर करते हैं। वो बैठा बुढ़ा या उम्र दराज आदमी देखा करता है ये क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ चढ़ना कभी वहाँ चढ़ना, कभी यहाँ लेटते हैं ऊपर सामान रखते हैं कहीं वहाँ चढ़ा जा रहा है। तो वो लोग लड़के कहते हैं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ट्रेन चल रही, कहा मज़ा नहीं आ रहा मुझे। कहा मज़ा कैसे आए? कहा मज़ा ऐसा आएगा, सोचते हैं कि लाओ इस ट्रेन की चैन खींच ली जाए, चैन खींचेंगे तो मुझे मज़ा आएगा, ट्रेन रुकेगी और सभी लोग पुलिस आ जाएगी, अब वो बड़े कम मज़ा आएगा, ये कम आ रहा मज़ा, कुछ और बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, ताकि खूब खूब अच्छा मज़ा आए हमको। कहा अब क्या सोचे, खूब सोचते रहे ऐसे। कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि जो ये बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो चैन खींचे और नाम इसका लगाएं, ठीक है। तो कहा तब और मज़ा आएगा। अब वो बुढ़ा आदमी देख रहा होता है ये लोग अब ये तीर हमारे पे चला रहे हैं, तो कहा भाई हमने कौन सी गलती करी है बेटा, आप बड़े हो बच्चे हो आप, हम कहीं जा रहे हैं काम से जा रहे हैं, तो आप अगर ऐसा ना करिए। वो लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं और तमाम चढ़ाते हैं, कहते हैं अभी गिड़गड़ा रहा है, गिड़गड़ाने पर और मज़ा आया, बोला आप तो इन्हीं के पक्का इन्हीं के नाम लगाए, अब तो मुझे और मज़ा आएगा, पुलिस आएगी ले जाएगी तो और मज़ा आएगा मुझे। तो ठीक है, वो एक्सपीरियंस क्या होता है वो समझा रहे हैं इसके बारे में, एक्सपीरियंस बड़ों क्या होता है। वो कहते बेटा ऐसा ना करिए बेटा, आप बच्चे हैं पुलिस आ जाएगी, बोले पुलिस आएगी तुमको अरेस्ट करेगी भाई, और ये वस्ता हम करा। कहा ऐसा करेगी जब ये पकड़ा जाएगा बुढ़ा तो हम लोग एक पार्टी भी करेंगे, मतलब बहुत एडवांस सोच रहे हैं पार्टी भी। कहा पार्टी का ऐसा करते हैं, हम लोग सभी लोग जो हैं 12-15 लोग जो हम लोग हैं, 15 लोग हैं हम लोग हैं, तो लोग सभी लोग 100-100 रुपये हमको लाइए, और लाइए जब ये पकड़ा जाएगा पुलिस ले जाएगी तो हम लोग को अच्छा तक खाना खाएंगे, पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा आएगा। और तो लोग सभी लोग से 100-100 रुपये ले लेते हैं, उसमें जो जिसका प्लान होता है मेन चीफ, वो कहते सबके पैसे हमको लाइए, हाँ अपने पास रख ले, उसको अपने वॉलेट में रखता है और अपने रख करके अब कहते हैं अब हम बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, यानी शिकायत करने जा रहे हैं चैन खींचने के लिए, ताकि इल्ज़ाम इनको लगाएंगे और जब पुलिस आएगी ये जब ले जाएगी तो लोग पार्टी भी करेंगे उसको, ठीक है। वो चैन पुलिंग करते हैं, ट्रेन रुकती है, उसमें से कहता है पुलिस तो नहीं आ रही है, जो मेन आदमी होता है, तो ऐसा करें पुलिस को बता भी दें कि हमने खुद देखा है 8-12 लोगों ने कि इस बुड्ढे ने ही चैन खींची है। तो उसमें से एक आदमी जाता है पुलिस को लेके भी आता है कि सर इन्होंने चैन खींची है, ऐसे कहते हैं। अब वो पुलिस आती डंडा लेकर के कहती है तुमने खींचा, डांटती है इसे, कहता जी हुजूर मैंने खींचा है। वही बुढ़ा आदमी, एक्सपीरियंस क्या होता है समझा रहे हैं,
कहा सर मैंने खींचा है। कहा क्यों तुमने खींची? कहा सर मेरे पास 1200 रुपये सर थे, सर इन लड़कों ने मेरे 1250 रुपये छीन लिया। सर ये पैसे जो सब 100-100 रुपये के नोट सर हैं, सर पैसे किसके पास हैं? सर उनके पास हैं। सर आप तलाशी कर लीजिए। अब पुलिस जो तलाशती है तो वो 1200 रुपये ही निकलते हैं, क्योंकि उसे पता था कितने लोग उसको रुपये जो है जमा करके बैठे हैं और किसके पास रुपये हैं, कहाँ रखा है। ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कहा अब पुलिस जिसने उसका सभी लोग उसमें शामिल हैं, सर मजबूरी में उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो पुलिस अकेले उसको नहीं, उसको छोड़ती नहीं बस में, बल्कि इन सब 12-15 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर ले आती है। तो ये तरीका था एक्सपीरियंस का। कितना बढ़िया ना, मज़ा आया। एक एक्सपीरियंस और सिखाते हैं बड़ों के एक्सपीरियंस के बारे में और मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। एक शादी थी, शादी में वो लव मैरिज हुई थी, तो लड़की का जो बाप बोला कि शादी में ऐसे तुमसे नहीं करेंगे, लड़के से बोला ऐसे नहीं करेंगे शादी में, तब करेंगे जब तुम बारात के अंदर कोई भी उम्रदराज बुढ़ा आदमी लेके नहीं आओगे, ये भी शर्त लगाई। अब बोला बड़ी मुश्किल से तो ये राजी हुए हैं, मतलब कि दुल्हन के मियाँ अब्बा, और अगर ये कह रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि अब बूढ़ा ना आने पाए शादी में, तो हमारे अब क्या हमारे बहुत बुढ़े हैं, अब वो शादी होने नहीं देंगे। सबको मनाते हैं कि आप प्लीज ना जाइए। उसमें से एक बुढ़ा कहता है, यानी लड़के के पक्ष में कहता है कि हम तो जाएंगे, तो नाना है तुम्हारे हम तो जाएंगे, बोला फिर शादी नहीं होने देंगे। अब कहा सर एक तो आप जा रहे हैं बुढ़े जो नाना थे, और प्लस ऊपर से वो मना कर रहे हैं। अब वो कहा नहीं नहीं हम शादी नहीं होने देंगे, जब तक हम जाएंगे नहीं शादी नहीं होने देंगे। तो आप कहते हैं हमको शादी तो करना ही है हमको है, तो करता क्या है वो? कहा नाना आप ऐसा करते हैं जब मना कर रहे हैं आपको हम पैक कर लेते हैं किसी ब्रीफ केस में, बड़ा शौक है जाने का, आपको पैक कर लेते हैं, आप कुछ बोलिएगा नहीं, आपको पूरा सब चैन में लगा कर आपको पैक कर लेते हैं, आपको शादी में घुमा लाते हैं आपको। कहा ठीक है कैसे भी जाएंगे पर हम शादी में रुक जाएंगे, हम बिना आपकी गए बगैर शादी नहीं होने देंगे। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि उम्र बड़ों का एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है अच्छा, उन्हें पैक कर लिया गया, आप शादी ब्याह में खुद नाश्ते कूदते पहुँचे वहाँ पास में, पापा भाई नाना अंदर पैक वो सब देख रहे हैं। ठीक है तो उसके बाद जहाँ फेरा होता वहीं पहुँचे भाई, तो कहा कि बोलते हैं कि आप शादी तुम करेंगे, एक शर्त में और हमारी है शर्त, ये शादी तभी होगी तुम बुढ़ा को नहीं लाए हो, अच्छी बात है। अब ये है कि मेरे घर के पीछे जो है नदी दौड़ रही है या बह रही है, उसके अंदर आप जो है एक शर्त ये है कि उसमें पानी ना बहे वहाँ दूध बहे, ऐसे बोला गया। आप बोले यार ये कौन सी शर्त है, पानी ना बहे और दूध बहे तभी हम शादी ब्याह करेंगे? बोले हम तो भाई तभी शादी करेंगे जब तुम ये ऐसा कर लोगे, वरना शादी ब्याह कैंसिल। अब बड़ा परेशान, बोले अब तुम हार ही गए, ये तो बुढ़ा नहीं लाए ऊपर से आप ऐसी शर्तें कर रहे हो, आप अब तो वही शादी ब्याह तो नहीं हो पाएगी, हम कैंसिल अब वापस घर जा रहे हैं हम। अब वो जाते हैं, अब भरी पंचायत भरी शादी में वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो वो ब्रीफ केस वही जो जैसे नाना पैक थे वो उसको भी खींच रहे होते। नाना बोलते बेटा बहू नहीं दिखाई नहीं पा रही है, तो कहते हैं क्या बताए अब, तो आप भी अंदर पैक हैं और यहाँ मना क्या क्या है कि तो आप उम्रदराज ना लाइए बड़ों ना लाइए, और साथ में ऐसी शर्त लगा दी है कि जो घर के पीछे जो नहर दौड़ रही है उसे पानी नहीं दूध दौड़ना चाहिए, और वो तो पूरी नहीं कर पाएंगे, तो बकवास बातें कर दी, उन्हें करना नहीं था तभी शर्त लगाया है, या उन्हें इसे पहले शो करना चाहिए था। बोले अच्छा ठीक है उनसे बुलाओ कि शादी ब्याह होगा। कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप वाकई नाना है पक्के? कहने वो शादी ब्याह होगा, उनसे बोलो कि दूध का पूरा इंतज़ाम हो गया पर शर्त यह है कि वो नहर आके फिर दौड़ रही है उसको सब पानी निकाल लें, सारा पानी ख़त्म कर लें, दूध का इस्तेमाल हमने इंतज़ाम कर दिया है। अब कहा ऐसी बोलना जब आप पहुँचते हो, कहा सर हमने पूरा दूध का इंतज़ाम पूरे नहर के बराबर पानी से कल सिर्फ जो है पानी नहीं बहेगा, अब दूध बहा करेगा, दूध का इंतज़ाम हो गया है। कहा ये कौन